है दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आपका मन में होगा कि 12 नवंबर को दिल्ली में क्या हुआ। लड़कों के साथ जो भी लड़के गए थे, बहुत दूर दूर से गए थे इस ठंडी के मौसम में, और जानते हैं कि जनरल ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन करा कर गए थे। तो मतलब एक लड़के पर कम से कम 2,000 रुपये तो खर्चा लग गया होगा लगभग में। तो उनके साथ में क्या हुआ? सीट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो कब तक आएगा? इन सभी बातों को इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक, एकदम सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोसेस चला उसके बारे में। और इससे पहले इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे इस सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। तो देखिए, पहले अगर बात करें तो सुबह में 8 बजे करीब में जब लड़कों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो वहाँ पर तुरंत सेकेंडों नहीं लगा, चंद सेकेंडों में वहाँ पर 144 धारा लागू कर दिया गया। 144 धारा का मतलब समझते हैं कि एक साथ में कई लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए वहाँ पर भीड़ नहीं हुआ। उसके बाद से ये रणबीर सर आए, आप लोग जानते ही हैं रणबीर सिंह कौन है, शुरू से उनका नाम परिचित हो गया है। पहले तो कोई नहीं चिन्हता था, पहचानता था, लेकिन अब सभी लोग चिन्ह गए उनको। कोई होता है ना कि एक भोजपुरी में कहावत कहा गया है कि लड़कियों के भरोसे ललकोरिया जिए ले, तो वहीं पहले कोई उसको नहीं पहचानता था, लेकिन अब सब पहचानने लगा है। तो यही बात है। और उसके बाद से जब 144 धारा लग गया, तो वहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, सभी लोग इधर उधर थे। वो आए, रणबीर सर आए, उसके बाद से थोड़ा सा इधर उधर बोले, सभी लोग से भी नहीं मिले। ये मतलब बहुत दुर्भाग्य है कि सभी लोगों से उनका बात भी नहीं हुआ। कुछ लड़कों से ऐसे सिग्नेचर विग्नेचर हुआ, और वो मतलब वो जो मांग लिखा गया था, जो मांग थी वो एप्लीकेशन में लिखा गया था, वो ले जा करके वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में दे दिए, ठीक है? और वहाँ से उनको कुछ देर बाद वहाँ से वापस आए, और पुलिस प्रशासन ने उसको बुलाकर पता नहीं क्या बात किया, क्या बात नहीं किया, और आकर वो कह दिया कि सभी लोग शांतिपूर्वक घर चल जाओ। अब बताइए, वहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं हुआ कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पे इतना बड़ा प्रदर्शन में इतना लड़के गए थे, हाथ में तिरंगा लिए, मास्क वास्क लगाकर, सभी लिखा गया था कि SSCGD मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग, और वहाँ पर कोई भी मीडिया वाला नहीं आया, कोई भी मीडिया वाला नहीं आया। जबकि मतलब थोड़ा सा भी बात में मीडिया वाले पहुँच जाते हैं, तो कोई भी मीडिया वाला नहीं है। तो इससे आप क्या जानते हैं? और ये जान लीजिए ना कि कैंडिडेट को केवल शोषण हुआ है, रणबीर सर को भी अगर कहें तो वो भी कैंडिडेट को शोषण किए हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं बताए? इतना दोस्त लड़के उनको ही आधार बना कर गए थे, और इतना ट्वीट कराए, ये कराए, वो कराए, एक बात पर सभी लड़के ट्वीट करने के लिए तैयार होते थे। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। और यही है कि मतलब पहले उसको कोई नहीं पहचानता था, और इसी बहाने सभी उसको पहचानने लगे। बशर्ते ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजनीति बहुत गहरी होती है, और राजनीति के चपेट में कभी भी गरीब ही आते हैं, बेरोजगार ही आते हैं, किसान ही आते हैं दोस्तों। सब मिलाकर यही कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति थी। आप लोगों को जुटाने के लिए सभी लोग गए थे, हम तो नहीं गए थे, लेकिन लड़के अपडेट दे रहे थे। तो वहाँ पर कोई भी मतलब ये हुआ ना कि फुटपाथ के बराबर भी कोई किसी लड़के से कोई नहीं पूछना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? जो गए होंगे वो खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो हम बार बार कह रहे थे ना कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर अनशन प्रदर्शन से ही वैकेंसी बढ़ना होता, ज्वाइनिंग लेटर आना होता, तो सभी लोग अनशन प्रदर्शन करके ज्वाइनिंग लेटर और वैकेंसी बढ़ा देते, ठीक है? तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो लड़के कह रहे थे कि सर बताइएगा कैसा अपडेट आता है। तो इसलिए हम कहे कि चारों ओर से सोच समझ ले, चारों ओर से न्यूज़ इकट्ठा कर ले, तब आपको अपडेट दे। तो कुछ अपडेट ऐसा नहीं है, और सब मिला करके बार बार यही कह रहे हैं आपसे कि कोई भी वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब रणबीर सर से ये पूछना है कि सर हम लोग 2,000-3,000 रुपये भाड़ा लगा करके गए हैं, इधर से आए गए हैं, वो कौन अब वहन करेगा, आप बताइए।